सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी और गुवाहाटी हाई कोर्ट से कांग्रेस के बागी 14 विधायकों के सारे रिकॉर्ड्स मांगे हैं। अदालत बागी विधायकों को स्पीकर के अयोग्य ठहरा जाने के सारे रिकॉर्ड्स देखना चाहती है। कोर्ट का कहना है कि जब तक अदालत सारे रिकॉर्ड्स नहीं देख लेती तब तक प्रदेश में न तो राष्ट्रपति शासन खत्म किया जाए न ही अगली सरकार का गठन हो। केंद्रीय कैबिनेट ने अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन खत्म करने की सिफारिश की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने से रोकने की मांग खारिज कर दी थी। दरअसल अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार के अपने ही कुछ विधायक बागी हो गए हैं और असंतुष्ट नेता कलिखो पुल की अगुवाई में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। इस गुट ने 16-17 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जिसे स्पीकर ने अवैध ठहरा दिया। इसी रस्साकशी में 26 जनवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 15 फरवरी को ही कलिखो पुल ने 31 विधायकों के साथ राज्यपाल राजखोवा से मुलाकात की थी और अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया था। कलिखो पुल अपने साथ कांग्रेस के 19 बागी, बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायक होने का दावा कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस आलाकमान ने भी बागी विधायकों के साथ मेल मुलाकात की थी लेकिन बात नहीं बनी। बजट सत्र में भी विपक्ष इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है ऐसे माहौल में राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला लेकर केंद्र सरकार ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं।